अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसएन पब्लिक स्कूल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब फ्रेजेस और नाउन फ्रेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवर्ब फ्रेजेस से। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिएगा, समझ आएगी और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन क्वेश्चंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी। सो हमारे पास पहला है फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभी। ही कम्स हेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो यहाँ कभी कभी आता है। सेकेंड, फार एंड वाइड, दूरों नज़दीक। पीपल केम हेयर फार एंड वाइड टू सी द फेयर, लोग यहाँ आए दूरों नज़दीक से फेस्टिवल देखने के लिए या मेला देखने के लिए, फेयर आप इसको कह सकते हैं। एंड देन टू गो एंड फ्रो, इधर उधर। लेट अस वॉक टू एंड फ्रो ऑन द प्लेटफॉर्म, हमें यहाँ वॉक करने दो, हमें इधर उधर वॉक करने दो इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, लेट अस का मतलब होता है करने दो या चलो। ठीक है, अबव ऑल, सबसे बढ़कर। ही इज़ ऑनेस्ट इंटेलिजेंट एंड अबव ऑल इंडस्ट्रियस, वो एक ईमानदार, ज़हीन और इन सब से बढ़कर मेहनती इंसान है। ठीक है जी, उसके बाद विदाउट फेल, ज़रूर। सी मी टुमारो विदाउट फेल, कल मुझे मिलो या कल मुझे देखो ज़रूर। विद वन वॉइस, एक ज़बान होकर। दे क्राइड विद वन वॉइस दैट दे वॉन्टेड टू गो टू द कैनाल, वो एक ज़बान होकर रोए क्योंकि वो कैनाल जाना चाहते थे। बाय एंड बाय, रफ्ता रफ्ता। यू विल अंडरस्टैंड एवरी थिंग बाय एंड बाय, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगेन एंड अगेन, बार बार। आई रीड योर लेटर अगेन एंड अगेन, बाय हार्ट, ज़बानी। लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, इन द निक ऑफ टाइम, एन वक्त पर। आई रीच्ड होम इन द निक ऑफ टाइम, मैं एन वक्त पर घर पहुँचा। इन द लॉन्ग रन, इंजामकार। Honesty pays in the long run. Honesty pay करती है with the passage of time. If you want to grab the success, so you should be patient. And patience is the key of everything. So inshallah, with the passage of time, you can get your payment. Inshallah. Once for all, कटाई तौर पर। Let us decide this case. Once or for all, हमें decide करने दो कटाई तौर पर। On the whole, बहसियत मजमुई। On the whole, it is not a bad bargain. बहसियत मजमुई, ये बुरा सौदा नहीं है। Bad bargain का मतलब बुरा सौदा, बहसियत मजमुई ये बुरा सौदा नहीं है। और on the whole का मतलब बहसियत मजमुई। For good, हमेशा के लिए। We left Lahore for good on August 14, 1999. हमने लाहौर छोड़ दिया for good on, मतलब for good, हमेशा के लिए, 14 अगस्त 1999 को। At the 11th hour, n वक्त पर। The meeting was postponed at the 11th hour. Meeting मुलतवी हो गई थी n वक्त पर। Now we are moving towards, now going towards the noun phrases. At sixes and sevens, बिखरी हुई। Everything in the shop was at sixes and sevens. हर चीज़ दुकान पर बिखरी हुई थी। Bag and baggage, बिस्तर बोरिया समीत। He left Karachi bag and baggage. उसने कराची छोड़ा बिस्तर बोरिया समीत। By hook or by crook, किसी ना किसी तरह। I must get my share by hook or by crook, मैं अपना हिस्सा लाजमी ले लूँगा किसी ना किसी तरह। Bed of roses, फूलों की सेज। Life is not a bed of roses, ज़िंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है। Hand in glove, गहरे दोस्त। We are hand in glove with each other, जो कि मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, kit and kin, अजीज़ और क़ारिब। सना इज़ फार अवे फ्रॉम माई किट एंड किन, सना जो है वो दूर है मेरे अजीज़ और क़ारिब से। लोव्स एंड फिशेज़, दुनियावी फ़ायदे। नाउ अ डे एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन द लोव्स एंड फिशेज़ ऑफ देयर जॉब्स, आजकल, नाउ अ डे, इन दिनों हर कोई दिलचस्पी लेता है अपने दुनियावी फ़ायदे में। मैन ऑफ लेटर्स, आलिम। अ मैन ऑफ वर्ड्स इन लिटरेचर इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, एक इंसान जो लिटरेचर में माहिर है वो इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, मतलब आलिम है। मैन ऑफ पार्ट्स, काबिले लाइक। ही वॉज अ मैन ऑफ पार्ट्स, वो एक काबिले लाइक इंसान है। रूट एंड ब्रांच, मुकम्मल तौर पर। अली डिस्ट्रॉयड द एनिमी रूट एंड ब्रांच, अली ने दुश्मन को तबाह कर दिया मुकम्मल तौर पर। स्नेक इन द ग्रास, खुफिया दुश्मन। गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट द स्नेक इन द ग्रास, अपने आप को गार्ड करें, मतलब अपनी प्रोटेक्शन करें अपनी ज़ात की, अगेंस्ट अ स्नेक, मतलब खुफिया दुश्मन के अगेंस्ट। एट अ स्टोन्स थ्रो, करीब ही।
My house is at a stone's throw from here. मेरा घर यहाँ से करीबी है. Time and tide, वक्त. Time and tide wait for none. वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. Ups and downs, नशीब व फराज, उतार चढ़ाव जिसे बोलते हैं. The old man had seen many ups and downs of life. बूढ़ा आदमी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देख चुका था. Without blame or reason, बिला वजह. The servant left service without blame or reason. सर्वेंट ने सर्विस को लेफ्ट कर दिया बिला वजह. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ऐसा मैं नहीं कह रहा आप लोगों को, अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. अब मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह.